ये है कि हम पिछले 35 साल से हिमाचल के किसान की भी हर समस्या पर लड़ाई लड़ी, वो चाहे यहाँ पर आकर नहीं लड़ी, लेकिन वहाँ नीचे और टिकैत साहब और यहाँ के जो हिमाचल के उस टाइम के लोग थे वे संपर्क में रहते थे पूर्ण रूप से, और वे हमेशा सेब के किसान की बात करते थे। चंडीगढ़ में भी मीटिंग हुई तो हिमाचल के लोग वहाँ पे गए, वहाँ मंडियों में गए, और उस टाइम पे भाव 1.25 रुपये, 1 रुपया और 2 रुपये किलो होता था चंडीगढ़ की मंडी में, वे उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा देश का किसान एकजुट है, पूरा देश के किसानों के सारे सूए। हमने सरकार को ये कहा कि MSP सबका तय होना चाहिए, MSP वेजिटेबल्स का भी तय हो, MSP दूध का भी तय हो, MSP फ्रूट का भी तय हो, और जो अनाज का 23 फसलों का MSP है उससे अलग भी जो भी उत्पादन हो रहे हैं, जितने भी मिल्स हमारे हैं, जो भी हमारी अगर वो रागी पैदा हो रही है या कहीं पर कोई भी चीज़ पैदा हो रही है उसके एक रेट फिक्स हो जाए। यहाँ का भी एक टमाटर की पूरी बेल्ट है यहाँ पे, और ये उस टाइम पर टमाटर देते हैं जब नीचे का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री होता है, वहाँ टमाटर पैदा हो नहीं सकता, लेकिन हमारा पहाड़ का किसान उस टाइम पे टमाटर की खेती करके नीचे पूरे देश भर में टमाटर हमें देता है, तो रेट इनको कम मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं पूर्ण रूप से वे डाउन करते हैं रेटों को और यहाँ से सस्ता खरीदते हैं। यहाँ का किसान अपना टमाटर बेचने वहाँ नहीं जाता, वो किसी का 2 कैरेट हुई, किसी का 10 कैरेट हुई, उसने वो ले ली वहाँ पे और वो बेच दिए। हमने ये कहा कि सरकार पहाड़ के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे, ये हमने कहा है कि जब ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलने लगेगी, अगर दिल्ली की मंडी करनी है तो दिल्ली की मंडी का खर्चा पहाड़ के किसानों को दे, वो वेजिटेबल्स का किसान जो 1 कैरेट भी पैदा करता है लेकिन जब तक वो गाड़ी में रख कर नीचे तक जाता है तो उसको कोई भाव उसको नहीं मिलता। ये सरकार से हमारी पॉलिसी पे सरकार बात करे नीचू पे, और यहाँ पे पल्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगे, जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज है वे यहाँ पे लगे और वे गवर्नमेंट की लगे जी, वे ये नहीं कि किसी कंपनी को दे दो और वो फिर लूट खसोट करे, उसकी नहीं। और एक ये पूर्ण रूप से तय हो, देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, 18 जो विभाग है एग्रीकल्चर को देखते हैं कि कितना हमारा टमाटर, कितना वेजिटेबल्स, कितना हमारा अनाज किस क्षेत्र में पैदा होता है, कितनी हमारी जनसंख्या है, कितना पैदा करने के बाद में हमको लाभ होगा और कितना पैदा होने के बाद में नुकसान होगा, उसका कोई डाटा देश के पास में नहीं है। ये स्टेटों को भी तय करना पड़ेगा और ये पूरे देश की जो भारत सरकार है उसको भी तय करना पड़ेगा, ये भी हमारा एक मुख्य मुद्दा है। और यहाँ के किसानों को लाभ हो, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी तो लाभ यहाँ के किसानों को होगा, यहाँ की मंडी चंडीगढ़, दिल्ली, अम्बाला और यहाँ तक का हिमाचल का जो फल फ्रूट है वो यहाँ से जाता है, वो सेब की आप बात कर लो तो सेब पूरे देश भर में जाता है और पूरी दुनिया में जाता है। और जिस तरह से नेफेड की पिछले साल खरीद सेब की जम्मू कश्मीर में करवाई, उसी तरह से हमारे जो पहाड़ हैं उनके किसानों की भी आप करवा दो तो यहाँ को लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा इशू है और पहाड़ का किसान कोई अलग नहीं है, पहाड़ के किसान की लड़ाई मजबूती के साथ में लड़ी जाएगी, पहाड़ का किसान भी हमारा परिवार का एक हिस्सा है और पिछले 35 साल से हम पहाड़ के किसान की आवाज़ हम उठाते हैं। यहाँ के कुछ लीडर होंगे जो इनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं देते होंगे, लेकिन कुछ लोग जाते हैं उनके साथ में मिलकर हम काम भी करते हैं, और हम हर बार हमने कहा कि हम पहाड़ में जाएंगे, पहाड़ के किसानों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग आप रखवाओ, तो हमने बार बार उनको कहा है, तो हम अब आए हैं, नोटिस आ गए, हमारी पूरी यूनिट है, हमारे भाई है जिन्होंने ये अरेंजमेंट यहाँ पे करा है, मनीष जी और हमारे अध्यक्ष जी है, ठाकुर साहब हैं, और जो रिटायर होकर जो लोग आए, जनरल साहब हैं जो रिटायर होकर आए बिजली कारकुन से, इनके पास में बहुत एक्सपीरियंस है, इनको फील्ड की नॉलेज है, इनको मार्केट की नॉलेज है, इनको समाज की नॉलेज है, इनको बातचीत करने का नॉलेज है, इनको ड्राफ्टिंग के कैसे पेपर ड्राफ्टिंग होती है, कैसे चिट्ठियां जाएगी, वे सब नॉलेज है। इनके सहयोग से हम इस मिशन को आगे लेकर चलेंगे और हिमाचल के किसान को फायदा हो, यहाँ के उत्तराखंड और हिमाचल एक ही बेल्ट है पूरी पहाड़ की, उसको फायदा हो, और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का जो हमारा पहाड़ का किसान है उसकी पॉलिसी बने, उनको फायदा हो, तो इन चीज़ों पर हम हिल पॉलिसी देश में काम करें। और सरकार को हमने कहा है कि विलेज टूरिज्म पॉलिसी पे अगर काम होगा तो हिमाचल के लोगों को फायदा होगा और जो भी पहाड़ का किसान है उसको पूर्ण रूप से फायदा होगा विलेज टूरिज्म पॉलिसी से। ये पॉलिसी हम सरकारों को बना के देते हैं, उस पर सरकारें काम करें।
सर, जिस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर काफी चला, लेकिन उसी तरह से यदि हम देखें तो हिमाचल के किसानों का उसमें ज्यादा रुझान देखने को नहीं मिल पाया, इसका क्या एक ऐसा रीजन हो सकता है? और आपके द्वारा ये भी पूछना चाहूंगा सर कि हिमाचल का दौरा काफी लेट हुआ जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, ये लेट दौरा होने का क्या एक वजह है? लेट नहीं, और यहाँ पे होते रहे, यहाँ पे पोंटा साहब में, इसमें, वहाँ पे प्रोग्राम होते रहे सब जगह नीचे, लेकिन ये है कि शिमला और जो राजधानी है वहाँ पे हम तो नहीं आए, लेकिन दूसरे लोग वहाँ पे आते रहे। और प्रेस के लोग भी आजकल इस तरह के हैं कि वे पूर्ण रूप से बंधे हुए रहते हैं कहीं ना कहीं, तो हमने तो बार बार कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का फेरा है भाई, आप जो भी मदद कर सकते हैं आप करते रहो। और यहाँ के लोग सक्षम हैं आंदोलन करने में भी और आंदोलन करे भी है उन्होंने, और ये आईना दिखाना जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी काम नहीं करेगी तो आंदोलन उसको झेलना पड़ेगा। सर बात करें यदि भाजपा किसान मोर्चा की, वो तो कभी ऐसे नहीं कहते कि जो 3 कृषि कानून बिल आए वो किसानों के खिलाफ है, या हिमाचल में वो तो कहते हैं कि हम जाके और नीति बताएंगे कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए। हाँ तो हम भी तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि जो वही कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि जो मोदी ने कहा हम भी प्रचार करेंगे मोदी का। मोदी ने ये कहा कि 2022 में आमदनी दुगुनी हो जाएगी, वे भी इसका प्रचार करें, हम भी प्रचार करेंगे कि जो भी फसल होगी वो आमदनी दुगुनी हो जाएगी, सेब का रेट 120 रुपया हो जाएगा, जो यहाँ पे टमाटर बिकता है उसका रेट दुगुना हो जाएगा, वे भी प्रचार करें, हम भी प्रचार करें। कई मुद्दे तो उनके हमारे ठीक हैं, लेकिन कहीं वे भी फंसे हुए हैं, हम तो प्रचार करेंगे भाई देश के प्रधानमंत्री का कि 2022 में आमदनी दुगुनी होगी, आप भी प्रचार करो। लेकिन क्या तो माइनस में लीजिए। अरे ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना जो उनसे प्रचार करने आ रहे, ये लोग उनसे पूछ जाएंगे कि आप प्रचार करने आ रहे ये भी तो बताओ ना कि आमदनी कैसे बढ़ेगी, 1 जनवरी से जो भी फसल बिकेगी दुगने रेट पे, ये होल्डिंग लगा दो देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना दुगना। तो देखो कागज पत्तर रखने की जरूरत ही नहीं है, कागज पत्तर रखने की जरूरत ही नहीं है, दुगना रेट है जो हमारा 21-22 में बिका उससे दुगना रेट में, जो 20 में 21 में बिका उससे दुगने रेट में 22 में बिकेगा, आमदनी दुगुनी होगी। सर जैसा कि हिमाचल के लोगों को काफी भोला कहा जाता है, कि आपको लगता है कि अब जिस तरह की कंडीशन देखने को मिल पा रही है, महंगाई बढ़ रही है, आने वाले चुनाव में क्या भाजपा की बातों में फिर हिमाचल के भोले वाले लोग? यहाँ के लोग इतने सीधे तो नहीं है कि उनके भोले वाले लोगों का फायदा उठाएंगे, इतना सीधा तो नहीं है, उनसे क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ के लोग ये पहाड़ में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, इनको ये कहा जाता है कि भाई ये ठंडे लोग हैं, बोलते नहीं, लड़ाई भिड़ाई नहीं करते, इनको गर्माना पड़ेगा पूर्ण रूप से, और ये गर्म होते फिर बिल्कुल तैयारी के साथ में जाएंगे। ये माना जाए कि आज का जो आपका हिमाचल का दौरा है वो हिमाचल के लोगों को गर्माने के लिए, बिल्कुल गर्माने के लिए है, ये क्वेश्चन करेंगे अब आने वाले टाइम पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, जैसा भी सोलन में देखने को मिला है, जो क्लैश एक देखने को मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या देखने को मिला? सर एक क्लैश देखने को मिला है, कोई वहाँ पे जो है वो आपके खिलाफ बोलने की। अरे अच्छा बोलन तो अच्छा आंदोलनकारी वो भी भाई खिलाफ तो बोलना ही चाह, बिना खिलाफ बोले क्या को काम चले, सारी चीज मीठी मीठी चीज खाओ जाओगे, कड़वी कौन खाओगा। किसान आंदोलन जैसा भी चल रहा है तो अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार? नहीं नहीं कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। तो अगर सरकार जो है फार्म लॉज वापस नहीं लेती है तो आगे क्या करेगा? ये जब तक चलेगा जब तक नहीं लेगी, जब तक नहीं लेगी, जब तक नहीं लेगी, जब तक कोई वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जब तक ले लेगी 2022 में दे देगी, 23 में दे देगी, 24 में दे देगी, ऐसा तो है नहीं कि 25 का भी उन्होंने ठेका ले लिया, 25 में भी हम ही आएंगे, भारत सरकार इसको वापसी देगी, कौन लेगी ये नहीं पता। राशन बहुत बड़ा दिल्ली में, आज जब तक वो रहेगा इतना चलता रहेगा। सर भाजपा सरकार आपके हिमाचल के दौरे के आने वाले उपचुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव से तो जोड़ सकती है सर, उसके लिए क्या और जोड़ लेगी? ये क्या वोट लग रहे दिल जिनका नुकसान लग रहा है, वोट देने लग रहे उसे भाई, जो गुलगुले खाएगा भी पूड़े, जब लड़ाई हो जाए किसी का तो उसके उसका तो नहीं ले करते हम, हमारे दिन से भाई तकरार है, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। तो सर एक मेरा प्रश्न है जिला सोलन से संबंधित, हमारे यहाँ टमाटर की जो फसल है बम्पर होती है, इसको हम बम्पर बोलते हैं, तो पिछली सरकार या मौजूदा सरकार हर बार इन्होंने किसानों को टमाटो प्लांट लगाने के लिए बोला, प्रोसेसिंग प्लांट भी जैसे जैम वगैरह बनते हैं, तो इससे संबंधित कोई आप? नहीं हमने कहा कि सरकारें लगवा में इसको और यूनिट बना कर लगाए, ये किसी प्राइवेट कंपनी को ना दे कि वो फिर सस्ते में लूट करे, मतलब लगे यहाँ पे गवर्नमेंट का लगे, और अपने नाम से हिमाचल के नाम से आप बेचोगे तो
पूरे देश में बिकेगा, वो एक किसान के नाम से बेच रहा, पता नहीं कहाँ बनाता है, कहाँ जावे और पूरे देश में खाई जा रही। कहने का मतलब सर ये है, पिछले 20 सालों से ना ये ये डिमांड उठती रही है हमारे जो जिला सोलन की तरफ से और जितनी भी हमारी प्रदेश सरकारें हैं सबने वोटों के टाइम पे ये सबका दिखाए हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इसको पूरा नहीं किया है। तो आज आप किसानों का दर्द जानना है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये है कि इनको आवाज मजबूती से उठानी पड़ेगी और उनको घोषणा पत्र में डालना पड़ेगा हर पार्टी को अपने सुने, और किसानों की जमीन जो छीनने का प्लान बना रहे हैं उसको भी रोकना पड़ेगा हमें, कहीं हवाई अड्डे बन रहे किसान की जमीन जेल का सस्ते में। सर एक तो सारे इशू हमारे रहे। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.